जिला अनंतनाग के बिजबिहारा से एक बहुत ही दुखद समाचार सामने आया है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहारा में इलेक्ट्रिक करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है। क्या कुछ कारण रहा है, किस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हुआ और जहां पर उस बच्चे की मौत हुई है, हमारे साथ फिदा ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कारण रहा है, किस तरह से यह हादसा पेश आया है। देखिए, वजह जो है वो यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है उसकी मौत हुई है। उमर नामी जो दरीगुंड श्री गुफारा का रहने वाला है, बिजबारा डिग्री कॉलेज में बताया जाता है कि वो पढ़ते थे और वहां पे पढ़ाई के लिए गया था और वहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से जो उसकी मौत हुई है। हालांकि उसको बचाने की कोशिश की गई, अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी तक इस हवाले से जो यह जो डिग्री कॉलेज बिजबारा है उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है कि किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से इसकी मौत हुई है। क्या इलेक्ट्रिक शॉक, क्या वहां पे कोई तरसीली लाइन जो है वो नीचे थी और वो उसकी जद में आ गया है, अभी तक उसका खुलासा जो है नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब ये खबर वहां पे कॉलेज के अंदर जो है सुनने को मिली तो वहां पर चीख और पुकार जो है जरूर सुनने को मिली, और जब उसके इलाके में ये खबर फैल गई कि जो उमर है जो दरीगुंड श्रीगुफारा के रहने वाले है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी मौत हुई है, तो वहां पर भी हर किसी की आंख नम है और वहां पर भी यही कहा जाता है कि सुबह तो उमर जो है घर से निकला था लेकिन नहीं पता था कि उसकी जो डेड बॉडी है वो उनके घर पहुंचेगी। लेकिन यही कहा गया कि पूरा इलाका इस वक्त जो है वहां पर सफे मातम बिछ गया है, वहां पर हर किसी की आंख जो है वो नम है, हर कोई परेशान है, हर कोई कहता है कि उमर एक अच्छा लड़का था, आखिर किन का किस वजह से वो उसकी मौत हुई है। जो हमारे पास खबर सामने आ रही है वो यही है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन जब तक कोई डिग्री कॉलेज की तरफ से, क्योंकि कोई ना कोई उनका बयान जो है वो सामने आ ही जाएगा कुछ देर पहले, और थोड़ा सा उसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं कि क्या कोई तरसीली लाइन नीचे थी। और यही है कि एक जो बच्चा है वो उसके जद में आ गया है, लेकिन अभी हालांकि उसको अस्पताल ले जाने की भरपूर कोशिश की गई, बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो दम तोड़ बैठा। जी चेतना, लेकिन फिदा, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन पर भी इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। देखिए, ऐसे में जरूर इन पे सवाल तो बनता ही है कि आखिर जो इतनी बड़ी लापरवाही है कैसे हो सकती है। क्या ये कॉलेज के बाहर है या कॉलेज के अंदर, जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ ही देर के बाद कॉलेज इंतजामिया की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो है कोई ना कोई बयान तो सामने आ ही जाएगा कि क्या ये कॉलेज के बाहर था या कॉलेज के अंदर था। लेकिन अभी इसकी इसकी जिक्र जो है, अभी इसका खुलासा जो है चेतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके लिए हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चों का मामला है और इसमें लापरवाही जो है कहीं ना कहीं पे, अगर कॉलेज इंतजामिया की है तो जरूर इस पे बात होनी चाहिए, अगर कॉलेज के बाहर है तो जरूर महकमे पीडीडी पे ये बात आ जाती है, लेकिन जरूर इसमें पुलिस जो है मामला दर्ज करेगी। मामला दर्ज करने के बाद तहकीकात जो है वो इसमें हो जाएगी और इसमें जरूर जो भी कोई मुलव्वस होगा उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। चेतना, चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहारा से ये दुखद समाचार सामने आया है, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, और जिस तरह से हमारे साथी फिदा ने भी आपको बताया कि उमर अहमद नाम का ये बच्चा था जो कि जो है पढ़ने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है वो गया था, लेकिन जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, पुलिस जो है वो पूरी तरह से इस मामले में तहकीकात करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि लापरवाही जो है वो आखिर किस ओर से की गई है। और एक बार फिर आपको बता दें कि उमर अहमद जिसकी मौत हुई है ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, ये दरीगुंड श्रीगुफ्वारा अनंतनाग का रहने वाला था, और ये एक तरह से जहाँ पर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन वो भी एक तरह से परेशान नजर आए हैं कि आखिर किस तरह से उनकी आंखों के सामने ये बड़ा हादसा जो है हुआ है। और इसी के साथ साथ परिवार की बात करते हैं तो परिवार भी इस वक्त जो है दुखी है, और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आखिर अगर ये जो घटना है ये अगर कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर हुई है तो किस तरह से हुई है, इस पर पूरी तरह से जब पुलिस संज्ञान लेगी तो उसके बाद पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर